नेक्स्ट क्लास, आज हमारी नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि था आपका पोटेबल वाटर और उसे या वाटर टेक्नोलॉजी, उससे एसोसिएट जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वाटर को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज हार्ड वाटर एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्ट वाटर। तो वट इज काइंड ऑफ हार्ड वाटर? तो हार्ड इज रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर एंड समटाइम्स आयरन। यानी कि पानी में जब आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और कुछ कुछ केसेस में आयरन, डिपेंड करता है उस एरिया की उसकी कंसंट्रेशन पे या जो उस एरिया में आपके सॉल्ट मिल रहे हैं उन पे, तो वो पानी हार्ड वाटर कहलाता है। आयंस कम फ्रॉम डिजॉल्व रॉक द वाटर हैव पास थ्रू, यानी रन ऑफ वाटर जिन भी रॉक्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है वहां से रिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्ट, ठीक है, अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ टैप वाटर। और ये सॉल्ट प्रॉपर्टीज, जो पानी की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। तो सच काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर। इट मीन्स द वाटर विच कंटेन्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन वाटर और समटाइम्स आयरन। अब अगर हार्ड वाटर आप लें तो इस हार्ड वाटर में जो भी मिनरल्स या डिजोल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, जब इंटरेक्शन होता है सोप का, दे क्रिएट द इंटरफेरेंस और हिंड्रेंस टू प्रोड्यूस अ लेथर। यानी अगर आप जनरल भाषा में कहें तो ऐसा पानी जो हार्ड वाटर होता है वो इजिली लेथर प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि जो मिनरल्स हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपके मिनरल्स हैं जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं टू प्रोड्यूस द लेथर। यानी इंटरेक्शन विद सोप के साथ जब होता है उनका, तो वो लेथर का जो अमाउंट है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्ट वाटर, यानी वाटर विल हैव द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। ऐसा पानी जिसमें सच डिजॉल्व सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो होती है और बहुत इजिली लेथर प्रोड्यूस कर देते हैं, किसके साथ, सोप के साथ जब ऐसे पानी का इंटरेक्शन होता है, तो सच काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। तो अब अभी आपने हमने बताया कि पानी को कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में, द फर्स्ट वन इज हार्ड वाटर एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्ट वाटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? हार्डनेस इन वाटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट प्रिवेंट्स द लेथरिंग ऑफ सोप, दस वाटर। यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पानी की जो किसको प्रिवेंट करती है, लेदरिंग ऑफ सोप, सोप को प्रिवेंट करती है। यानी कि सोप के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो इजिली फोम या आपका जो लेथर है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, विच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप सोल्यूशन रेडियली बट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। बट वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक व्हाइट कलर का पीपीटी जिसे आप कहते हैं स्कम, वो प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक या एक प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। यानी अगर पानी में हार्डनेस कम है तो स्कम नहीं बनेगा या बहुत लो अमाउंट में बनेगा, और वो रेडियली क्या करेगा, आपका जो सोप के साथ ऐसे पानी का जब इंटरेक्शन होगा तो वो सफिशियंट अमाउंट में लेथर प्रोड्यूस करेगा। बट अगर हार्डनेस बहुत ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, वो स्कम का अमाउंट ज्यादा बना देगा बट वो लेथर जो है वो फॉर्मेशन कम करेगा, यानी उसका अमाउंट कम बनेगा। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, दो तरीके की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और नेम्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस। सच वाटर इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट वाटर। परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इट इज नोन एज हार्ड वाटर। अभी आप पीछे पढ़ के आए, लास्ट स्लाइड्स में आपने पढ़ा है। तो हार्डनेस क्या है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पानी की जो करती है प्रिवेंशन, प्रोड्यूस प्रिवेंट करती है लेदरिंग ऑफ सोप को और स्कम बनाती है। और इस हार्डनेस के बेस पे
हमने हार्डनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट फर्स्ट वन इज टेम्परेरी और कार्बोनेट हार्डनेस, दैट इज नोन एज कैसे पानी में होती है, सॉफ्ट वाटर में होती है। परमानेंट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस इसमें आपके हार्ड वाटर में अवेलेबल होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस अब देखते हैं क्या होता है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज बाई द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स एंड द कार्बोनेट ऑफ आयरन। यानी कि पानी में जब आप के पानी में अगर बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स और कार्बोनेट ऑफ आयरन मिलता है, बाइकार्बोनेट मिलता है, देन वो इट इज नोन एज ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं क्योंकि उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही मेजर सॉल्ट होते हैं कैटाइन के साथ, बाय एनायन जो होते हैं वो कैटाइन के साथ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट ही होते हैं। इट इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड बाई द मोर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ऐसे हार्डनेस को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? यू कैन से सिंपली इट कैन बी डिस्ट्रॉयड और डिग्रेड और वैनिश आउट बाय द बॉइलिंग ऑफ वाटर। ऐसे पानी को जब आप गर्म करेंगे तो ये सच काइंड ऑफ हार्डनेस क्या हो जाती है, डिजॉल्व खत्म हो जाती है। देखिए कैसे, ये आपने बाइकार्बोनेट लिया कैल्शियम का, इसको हीट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। अभी आप देखें कि आपके घरों में जो स्टोन्स लगे हैं या मार्बल्स लगे हैं वो क्या डिग्रेड हो जाते हैं पानी डालने से, नहीं होते। तो इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट H2O और CO2, जब डिजॉल्व नहीं होता तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, आप इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में एलिमिनेट हो जाती है, पानी में से क्या बचता है, H2O बचता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, बाय द बॉइलिंग ऑफ वाटर से खत्म कर सकते हैं, और किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट्स ऑफ आयरन होता है। अब आपको अभी हमने कहा कि ये जो प्रोड्यूस हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं स्केल की फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ वेसल, और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो जाते हैं। अब स्केल क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस इट्स ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, बाकी और क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स। यानी परमानेंट हार्डनेस वाले सॉल्ट जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, किसके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन और हैवी मेटल्स के क्लोराइड और सल्फेट है। ये लीजिए हमने आपका कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, अभी आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये आपका सोप है, इसे हम कहते हैं सोडियम एस्टरेट, ठीक है। तो सोडियम एस्टरेट अब जो है वो जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम एस्टरेट का इनसॉल्युबल PPT बनता है, जिसे आपने अभी पीछे पढ़ा है स्कम के नाम से, और NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो जब आपका सोडियम एस्टरेट कैल्शियम एस्टरेट की फॉर्म में नीचे बैठ गया है तो ऐसा पानी क्या फोम प्रोड्यूस करेगा या लेथर प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। इट मीन्स सच काइंड ये ही जो है ये सॉल्ट क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं टू प्रोड्यूसिंग अ लेथर, यानी उनको लेथर फॉर्मेशन या फोम फॉर्मेशन के प्रोडक्शन की जो रिएक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए एक्शन ऑफ सोप, सोप बना कैसे,
ये आपका ऑयल और फैट कोई भी ले लिया और उसके साथ किसी भी अल्कली NaOH हो गया के OH के साथ रिएक्शन कर देते हैं, सोप बनता है, ग्लिसरीन बनता है और हीट निकलती है। ठीक है, ये आपका एक सोडियम एस्टरेट का मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए सोडियम और एस्टरेट, तो सोडियम जो है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी ये पानी की तरह भागता है, और ये फोबिक है एस्टरेट, ये पानी से भागता है, यानी यहाँ जो वाटर है उसके साथ ये रिएक्शन अट्रैक्ट करता है उसको, ये उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा टर्म मिशेल फॉर्मेशन, तो अगर आप देखें क्या होता है जब सोप के आप नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये आपका सोडियम हो गया और ये टेल वाला पोर्शन एस्टरेट हो गया, ये एक तरह से इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं और एक ये आपका फोम प्रोड्यूस कर जाता है और इसी में आपके जो डस्ट पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जब ये सोडियम एस्टरेट बना ही नहीं, ये कैल्शियम के फॉर्म में सेटल डाउन हो गया, तो मिशेल फॉर्मेशन नहीं होगा और लेथर प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। कुछ यूनिट्स हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm इज पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, यानी पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट, आप उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो पार्ट कितना प्रेजेंट है 10^6 पार्ट ऑफ पानी वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो इस तरीके से उसे हम बोलते हैं ppm। मिलीग्राम पर लीटर, इट इज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर, ये क्या है मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, यानी कि 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस मिला हुआ है। डिग्री क्लार्क या क्लार्क डिग्री भी कहते हैं इसे, इट इज द पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, और डिग्री फ्रेंच कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10^5 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो अगर हम इन चारों यूनिट्स में इंटर रिलेशन देखें तो 1 ppm इक्वल्स होता है 1 mg पर लीटर के, ये या 1 ppm इक्वल्स होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के, यानी यहाँ 10^6 हो गया आप देख लीजिए, और यहाँ पे 70,000 पार्ट वाटर यानी 0.07 डिग्री क्लार्क के। अब आते हैं कंसेप्ट, आप हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अभी उसमें एक टर्म यूज किया जा रहा था अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में पहले कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इंटू 50, 50 क्या है आप इसको फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का यहाँ पे किस मास में वो गिवन है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इंटू 50, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस, अभी आपने पीछे पढ़ा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं वो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, अब वो कहता है कि आप मुझे बताइए कि कितनी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, वो कहता है कि 50 मिलीग्राम ऑफ CA प्लस 2 आयन हमने 1 लीटर में मिला दिए, आप मुझे बताइए कि इसके टर्म में वो कितना हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखते हैं CA प्लस 2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो कितना हो गया 20 हो गया। चलिए
तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना आ गया 20। फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कैल्शियम, उसका मास कितना है 50 इंटू, ठीक है, इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं, निकालते हैं CaCO3, तो कैल्शियम हो गया आपके पास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया 100। अब CA पे, सॉल्ट है ये, CA पे प्लस 2 है या माइनस 2, आप कोई भी एक फैक्टर ले लेंगे, n फैक्टर 50 आ गया, तो ये हमने यहाँ निकाल दिया 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। हार्डनेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, CA प्लस 2, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है 20, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर सैंपल कंटेन, कहता है कि कैल्शियम सल्फेट इतना मिला हुआ है 204 मिलीग्राम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है 73 मिलीग्राम, व्हाट इज द टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी हमने लास्ट चैप्टर में सीखा हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, तो पहले हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36। अब CaSO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो CA पे अगर आपको पता है तो प्लस 2 चार्ज हो गया और SO4 पे माइनस 2, यानी इसका n फैक्टर क्या हो गया 2। कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 60। फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, हार्डनेस प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट, इनटू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस 60। आपके पास आंसर आ गया कि कैल्शियम सल्फेट ने 150 मिलीग्राम पर लीटर की हार्डनेस प्रोड्यूस करी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मॉलिकुलर वेट होता है 146 है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो Mg पे प्लस 2 है या तो कैटायन पे चार्ज 2 है तो इससे डिवाइड कर दिया। अब मास, गिवन मास 73 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आ जाएगा। अब आते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस अगर पता करनी हो, तो आपको मालूम है बाइकार्बोनेट्स जितने भी हैं दे ऑल प्रोड्यूस टेम्परेरी हार्डनेस, क्लोराइड और सल्फेट जितने हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस यहाँ आ गई, परमानेंट यहाँ, यहाँ आ गई, टोटल हार्डनेस के लिए टेम्परेरी प्लस परमानेंट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट 60 ppm हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ mg पर लीटर डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। 60 ppm हार्डनेस को आपको mg पर लीटर डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क, तो आपको इंटर रिलेशन पता होना चाहिए, तो आपने पढ़ा था 1 ppm इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर, तो 60 ppm 60 mg पर लीटर ये हो गया। डिग्री फ्रेंच, डिग्री फ्रेंच का जो था वो क्या था, टेंथ वन पार्ट डिवाइडेड बाई डिजॉल्विंग टेंथ द पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या हो गया 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास डिग्री फ्रेंच में आ जाएगा। डिग्री क्लार्क क्या था, 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, 60 इंटू 0.7 से कर देंगे, आपके पास डिग्री क्लार्क आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इंटर रिलेशन पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ वाटर ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग इंप्यूरिटीज। एक सैंपल ऑफ वाटर था, उसका हमने एनालिसिस किया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट 4 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 6 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्व था, और आपका
कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व है, इनके मोलर मास दिए हुए हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट डाउन द टेबल फॉर्मेट, इट विल हेल्प टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन इजी वे। कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए, अमाउंट लिखिए और उनका इक्विवेलेंट वेट निकाल के रिस्पेक्ट में आप उसको काउंट कर दीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मास इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। आपके पास बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की हार्डनेस आ गई। नेक्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 6 मास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आपके पास हार्डनेस आ गई। सेम चीज कैल्शियम सल्फेट, अमाउंट मिलीग्राम, मास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट, आपके पास हार्डनेस आ गई। सेम चीज, तो अभी आपने क्या किया, आपने जितनी भी हार्डनेस, जितने भी सॉल्ट थे सबकी इंडिविजुअली हार्डनेस पता कर ली। अभी नेक्स्ट सवाल है इसी में ही कि कैलकुलेट द टेम्परेरी हार्डनेस। यू नो दैट कि बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस द टेम्परेरी हार्डनेस, तो इन दोनों की जो भी हार्डनेस आई है आप इन दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो जब आपने इसका एडिशन किया तो क्या हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.58 मिलीग्राम। वही वो कहता है सर डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लास में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपने ये डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से और यहाँ डिग्री क्लास में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये कहता है परमानेंट हार्डनेस, तो सल्फेट क्लोराइड और सल्फेट CaSO4 और MgSO4 क्या प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लास में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास इंडिविजुअली आज। और अगर वो टोटल पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप इस फैक्टर को और इस फैक्टर को ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल हार्डनेस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सैंपल कंटेन 408 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर, कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो वही चीज, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। मास हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हो गया, कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट हो गया, आपके पास हार्डनेस आ गई। ड्रॉबैक ऑफ डिजॉल्व्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, सबसे पहली बात आते हैं कि अब अगर ये हार्डनेस पानी में है, ज्यादा अवेलेबल है, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक यूज में, तो अगर आप वॉशिंग में इसे यूज कर रहे हो तो वॉशिंग में तो सबसे बड़ी बात होती है जितना फोम प्रोड्यूस होगा वो मिशल फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या डर्ट जो है वो उसको कैप्चर करेगा। बट जब अगर मिशल फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इट मीन्स क्या हुआ, वो कैल्शियम स्टेरेट फॉर्म में सेटल डाउन हो गया है, तो आपका वाटर का कंजप्शन ज्यादा होगा, आपका जो भी डिटर्जेंट आप यूज करें उसका कंजप्शन भी ज्यादा होगा। सेम प्रॉब्लम है बाथिंग में, तो बाथिंग में भी फोम प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट ड्रिंकिंग में सच सॉल्ट डिकम्पोज हो जाते हैं और स्टोन्स फॉर्म में फिर वो बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। कुकिंग में भी सॉल्ट्स की वजह में से उनको बनाने में थोड़ा सा टिपिकल क्रिएट होगा, डिफिकल्टी क्रिएट होगी। तो स्टिकी प्रेसिपिटेशन एड्रेस ऑन द फैब्रिक क्लॉथ एंड गिव्स स्पॉट्स एंड स्ट्रेक्स, सॉल्ट स्टेन्स द क्लॉथ, या और ऐसे पानी से अगर आप वॉशिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आप देखिए वो फैब्रिक या क्लॉथ पे स्पॉट्स या वाइट वाइट फॉर्म में वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं या रह जाते हैं। नेक्स्ट बाथिंग में जब आप करते हैं तो जो स्कम बनता है वो बाथ टब और बॉडी पे सेटल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इचिंग और रफनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ड्रिंकिंग में अगर ये हार्डनेस है तो डाइजेस्टिव सिस्टम और कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक्स में जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है। कुकिंग में रिक्वायर्स मोर फ्यूल एंड टाइम, कंटेन्स फूड, डोंट कुक सॉफ्ट एंड ऑल्सो गिव्स अनप्लीजेंट टेस्ट। ऐसे पानी जिसमें हार्डनेस ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है,
एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आता है और फूड जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। इंडस्ट्रियल यूज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पानी यूज होता है, शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो वहाँ केमिकल्स के साथ रिएक्शंस होती हैं। अब आप देखिए, अगर केमिकल्स जो है पानी में ज्यादा अमाउंट में अब सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो उनके साथ रिएक्शन करके कोई बाय प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे, तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम बात करें, तो फार्मास्यूटिकल में आप केमिकल से दवाइयां बनाते हैं, तो सॉल्ट अगर ज्यादा एक्यूमुलेट है तो वो पानी के साथ रिएक्शन करके किसी दूसरे बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका वो ड्रग डेवलप नहीं होगा। तो पानी में जनरली आप जो पानी को घरों पे फिल्टर आउट कर रहे हैं या किस तरीके से उसे साफ करके, या हार्डनेस आप कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हार्डनेस करके आप उसे कंजप्शन में, डेली यूज में ला रहे हैं, उसका एक कॉमन नोन मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? आरओ इज द वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, द शॉर्ट नेम इज नेम्ड एज आरओ, आर फॉर रिवर्स, ओ फॉर ऑस्मोसिस। तो वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो एक ऐसी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब एक डेफिनेट साइज के पार्टिकल्स को जाने दे रही है, दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, हाइपर फिल्ट्रेशन के नाम से भी इसे जानते हैं। और आरओ जो है वो किसी भी, मतलब बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल और सॉल्ट्स को फिल्टर आउट करती है और आयंस को आपके ड्रिंकिंग वाटर से, कैसे प्रोसेस पे काम करता है देखिए। अब अगर आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस देखा हो, तो ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेजिन। रेजिन को आप पानी में सोक करिए तो वो क्या कर देते हैं, आपका जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है जनरल। ठीक है, इसको हम उल्टा कर दें, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो जो ये एरिया इस तरफ डिनोट हो रहा है ये पानी हार्ड वाटर है, यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। तो अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग अ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो सॉलिड कंसेंट्रेशन बाय अप्लाइंग प्रेशर। भाई जनरली नेचुरल प्रोसेस क्या है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन मूवमेंट होना। बट अगर आप ऊपर से इसमें एक परमी आप ये आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, आप इस पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, मूवमेंट रिवर्स हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, तो ये सॉल्ट्स को क्या नहीं करने देती है, गो थ्रू नहीं होने देती है, बट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट कर जाते हैं, तो यहाँ पे इस पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिजायरेबल हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। देख लीजिए, यहाँ आपका सॉल्ट की कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन लोअर है, उतनी ही चाहिए जितनी हमें, ये आपका ऑस्मोसिस है, तो यहाँ से ये लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होता है, हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। द सॉल्वेंट नेचुरली मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बाय ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके जब उल्टा कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। यूजेस ऑफ आरओ टेक्नोलॉजी, आरओ टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन में हो रही है, वेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन में हो रही है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज हो रही है, मेपल सिरप प्रोडक्शन इन फूड इंडस्ट्री यूज हो रही है, आरओ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ डी आयोनाइज वाटर, जो डी आयोनाइज वाटर होता है उनमें भी यूज की जाती है। रिमूवल, रिमूव्स पेस्टिसाइड, आरओ क्या क्या रिमूव कर सकता है, जितने भी आपके हार्मफुल पेस्टिसाइड्स आपके रन ऑफ वाटर से आ रहे हैं, उसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनको रिमूव कर देता है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स जो डिजोल्व होते हैं उनको खत्म कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी ये हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको भी वो रेगुलेट कर देता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो गो थ्रू नहीं हो सकते हैं।
रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड पानी में प्रेजेंट होते हैं उनको वो खत्म कर देता है, खत्म मतलब रिमूव कर देता है। रिमूव डिजॉल्व सॉलिड, जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स है पानी में जो डिजॉल्व है, माइन्यूट कंसेंट्रेशन मतलब जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर आउट किए जा सकते हैं और टॉक्सिक मटेरियल को तो करता ही करता है। एडवांटेजेस क्या है? आरओ परफॉर्म्स अ सेपरेशन विदाउट अ फेज चेंज। अब देखिए कि आप इसमें पानी की फेज में क्या कोई चेंज हुआ है कि पहले मैंने उसे पानी को बर्फ बनाया, फिर उसको फिल्टर किया, फिर उसको भाप बनाया, या इस तरीके से कोई फेज चेंज नहीं किया गया। लिक्विड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म से ही प्योरिफिकेशन किया गया है। और जब क्योंकि आपने फेज चेंज नहीं किया है तो वहां क्या हुआ है, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आरओ सिस्टम्स आर कॉम्पैक्ट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स आर लेस देन विद अदर डिसॉल्टिंग सिस्टम लाइक डिस्टिलेशन। अब देखते हैं क्या है कि जो डिस्टिलेशन यूनिट होती है वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट होती है। आपने वॉल माउंट देखा होगा, अगर आपने लैब में देखा है आपने, तो वहाँ आरओ बनाने के लिए जो यूनिट्स लगी वो बहुत बड़ी यूनिट्स है, और उनके देखभाल लुक आफ्टर करने के लिए या उनको रिपेयरिंग कराने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे या इन्वेस्टमेंट लगता है। बट अगर आरओ सिस्टम देखें बहुत कॉम्पैक्ट सा होता है, आज तो बहुत ही कॉमन हो गया है, सबके घरों में अवेलेबल है, और इसको कम स्पेस और कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे आरओ सिस्टम्स आ गए जो फुली ऑटोमेटेड होते हैं, जिनको सिर्फ आपने 154 बटन ऑन किया और ऑफ किया, उससे वो चल जाता है और शट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे उसका वो फिल्ट्रेशन कंट्रेशन कंटेनर भर जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। दस आरओ प्लांट्स यूजली रिक्वायर लिटिल लेबर, तो आपकी जो मैन पावर है वो भी बहुत कम लगेगी। ड्यू टू देयर मॉड्यूलर डिजाइन मेंटेनेंस इज इजी, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कैन बी परफॉर्म विदाउट शटिंग डाउन द एंटायर प्लांट। अब क्या होता है कि एकदम से जो आपकी जो हैवी हैवी मशीनरी है, आपको ये नहीं मालूम है वो कब उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है या कब आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो होगा क्या कि जब वो एकदम से बंद हो जाती है फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी जो डेली प्रोसेसिंग है वो बंद हो जाती है। बट आरओ प्रोसेस में क्या होता है, आरओ प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉड्यूलर डिजाइन है, मेंटेनेंस इजी है। आप इसका आप एक डेट फिक्स कर देते हैं, अगर आपने देखा हो अपने घरों के आरओ यूनिट्स पे, तो वो एक मेंटेनेंस का शेड्यूल टाइम रोटेशन नोट कर देते हैं उस पे। द मॉड्यूलर डिजाइन आल्सो मेक्स एक्सपेंशन ऑफ एन इजी ऑप्शन, तो इसका मॉड्यूलर डिजाइन होता है वो भी एक बेनिफिट है आरओ यूनिट्स के साथ। डिसएडवांटेज, डज नॉट रिमूव डिसॉल्व गैसेस। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो गैसेस डिसॉल्व हो जाती है आपके पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में, उसको आरओ सिस्टम यूनिट खत्म नहीं कर पाती है। अब देखिए क्या होता है, प्रॉस के साथ कॉन्स भी होते हैं। जब वो सॉल्ट्स को हटा रही है, रिमूव कर रही है, तो जो बेनिफिशियल है या हेल्दी मिनरल्स होते हैं वो भी पानी से आरओ के थ्रू खत्म हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज नीडेड सो दैट डीआयनाइजेशन कैन अकर, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत मतलब प्रेशर क्रिएट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट और वाटर टेक्नोलॉजी का लेक्चर, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इंजीनियरिंग कंटेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन ही इस तरीके से किया गया हुआ है कि आप जो है वो एकदम पैनिक क्रिएट नहीं करें। होप आपको ये हेल्प करेगा। So all the best for your classes. Thank you.